हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियरिंग नेशन। आज हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, कौन है इंटरनेट का मालिक, इंटरनेट के पैसे किसे जाते हैं। सारे जवाब यहाँ मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में इंटरनेट का। हम लिखते हैं गूगल पे व्हाट इज़ इंटरनेट, तो हमें कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। इसमें हम विकिपीडिया खोलेंगे और देखेंगे कि इंटरनेट के बारे में क्या लिखा गया है, क्या डिफाइन किया गया है इंटरनेट के बारे में। तो हमने विकिपीडिया खोला और यहाँ पर कुछ इस तरीके का लाइन लिखी गई है, द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP टू लिंक डिवाइसेज वर्ल्ड वाइड। तो इस प्रकार का कुछ डेफिनेशन दिया गया है इंटरनेट के बारे में। इसमें बताया गया है इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है, इंटरकनेक्शन सिस्टम है, जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है लिंक डिवाइस को लिंक करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको अब हम एनालाइज करेंगे बहुत डीपली में। तो इंटरनेट एक कनेक्शन है बहुत सारे सिस्टम का, ऐसे सिस्टम जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वो आपका मोबाइल हो सकता है, या आपका टैबलेट, या टीवी, या लैपटॉप, कुछ भी कंप्यूटर आपका, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा उसका कनेक्शन है। इन सभी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। प्रोटोकॉल मतलब रूल। तो जब हमारे पास सिस्टम है और प्रोटोकॉल है, तब हम उसे इंटरनेट बोलेंगे। अगर हमारे पास सिस्टम है, मतलब हमारे पास लैपटॉप है, टीवी है, कंप्यूटर है, अगर हमारे पास सिस्टम है जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास रूल है कि हमें कैसे एक्सेस करना है। हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो डिवाइस होना चाहिए और रूल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। जब हमारे पास ये दो चीज़ है, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास इंटरनेट है। तो ये पूरा उस डेफिनेशन का खुलासा हुआ अभी आपके सामने। तो देखिए, ये मैंने कुछ पिक्चर बनाया है जिससे कि आपको और अच्छे से मालूम चले कि इंटरनेट एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो ये सारे सिस्टम है, ये सिस्टम मतलब आपके मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ये वो सिस्टम दर्शाते हैं कि ये वो सिस्टम है। और ये सारे सिस्टम एक लिंक से कनेक्ट है। ये लिंक वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो आप अभी समझिए बस कि लिंक से एक कनेक्टेड है, और इन सभी कनेक्शन के बीच में आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा रूल है, जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है हमारे बीच में। प्रोटोकॉल मतलब, अब आपको मैं अच्छे से बताता हूँ प्रोटोकॉल मतलब क्या। अब जैसे कि समझ लीजिए कि एक बंदा है जो कि इंडियन है और एक बंदा है जो कि चाइनीज़ है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें बात कराना है, तो हमें कुछ प्रोटोकॉल चाहिए, हमें कुछ रूल चाहिए। वो रूल है लैंग्वेज। अगर अगर चाइनीज़ बंदा चाइनीज़ में बात करेगा और इंडियन बंदा हिंदी में बात करेगा, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो रूल है, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब हमें एक कोई दूसरा प्रोटोकॉल लाना पड़ेगा। तो हमने बीच में प्रोटोकॉल लाया इंग्लिश, जिससे कि जो इंडियन बंदा है वो भी इंग्लिश यूज़ कर रहा है और जो चाइनीज़ बंदा है वो भी इंग्लिश यूज़ कर रहा है। तो ये दोनों एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने की वजह से जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इंफॉर्मेशन जो है इंटरचेंज हो रहा है। तो इसलिए हमें प्रोटोकॉल चाहिए पूरे के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसकी मदद से हम इजीली डेटा एक्सचेंज कर सकें, और मेरे सामने वाले बंदे को पता चले कि मैं क्या भेज रहा हूँ, और वो जब जो जो चीज़ भेज रहा है वो मुझे पता चले कि उसने क्या भेजा है। तो इसलिए हमें प्रोटोकॉल चाहिए। इंटरनेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल काम करता है अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, एग्जिस्टिंग इंटरनेट पे। तो ये तो मैंने आपको बताया एक छोटे सिस्टम की इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा नेटवर्क। अगर नेटवर्क बड़ा हो जाए तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें कि बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, एक और एक प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है TCP/IP। तो इस तरीके का पूरा डायग्राम हो सकता है, और यही नहीं, इससे भी बड़ा डायग्राम होता है। बहुत बड़े अनगिनत कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, अनगिनत सिस्टम इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, और बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं आपस में, जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है अगर हम देखा जाए तो। इस तरीके से बहुत बड़ा एक चेन है सिस्टम का, कनेक्शन के बीच में।
अब हम देखते हैं इंटरनेट को किस तरह कनेक्ट किया जाता है। थ्री टाइप की कंपनी होते हैं जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं, इंटरनेट को बनाते हैं। एक्चुअल में तीन टाइप की कंपनी होती है, एक होती है टीयर 1, दूसरी होती है टीयर 2 एंड तीसरी होती है टीयर 3। तो हम इसे बारे बारे में जानेंगे कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं टीयर 1 कंपनी। द टीयर 1 ISP, ISP का फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे बड़ी ISP होती है जो कि इंटरनेशनली कनेक्ट होती है, ठीक है। जो टीयर 1 कंपनी होती है वो सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ऐसी कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है और जो कि इंटरनेशनली कनेक्ट होती है या इंटरनेशनली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। टीयर 1 ISP को हम बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है, बोलते हैं। तो इस तरीके का ये टीयर 1 कंपनी का ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। टीयर 1 ISP के पास बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है। टीयर 1 ISP के कस्टमर बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिसको कि हम टीयर 2 कंपनी भी बोलते हैं। मतलब टीयर 1 कंपनी अपनी सर्विस टीयर 2 कंपनी को देती है। टीयर 1 कंपनी जो है ये बैकबोन ऑफ इंटरनेट है। अगर टीयर 1 कंपनी हट जाती है तो इंटरनेट पूरा का पूरा डाउन हो सकता है। टीयर 1 कंपनी के पास बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है। टीयर 1 कंपनी एक कंट्री को दूसरी कंट्री या एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ जोड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से टीयर 1 कनेक्शन है वर्ल्ड में। तो आपको गूगल में लिखना पड़ेगा सबमरीन केबल मैप, ये आप लिखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी। इस फर्स्ट वेबसाइट को आपको खोलना है और ये लोडिंग हो रहा है तो ये दिखेगा आपको अभी। तो देखिए ये खुल चुका है। तो इस तरीके से टीयर 1 कनेक्शन पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा दिखता है अगर हम देखेंगे ऊपर से। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टीयर 1 कनेक्शन है। अब आते हैं हम इंडिया की ओर। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे वायर्स लग के गए हैं जिससे कि हमारा हम बाहर के सर्वर एक्सेस कर पाते हैं। तो ये रहा मुंबई का सर्वर, ये रहा मुंबई का गेटवे, और ये मुंबई का गेटवे है और ये किसका गेटवे है अगर आपको पता करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का है। तो ये रहा कोची इंडिया, जिससे कि दो केबल निकले हुए हैं सेफ और CMEV3। मुंबई से कितने केबल निकले हैं हमको अगर पता लगाना है तो हमें सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। हमने क्लिक किया तो इसमें मालूम चल गया कि कितने सारे केबल यहाँ से कनेक्ट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, बे ऑफ बंगाल गेटवे। तो मैं आपको थोड़ा बे ऑफ बंगाल गेटवे के बारे में बताता हूँ। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें स्पेसिफिक वही केबल के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा सामने और इसके साथ साथ इसकी वेबसाइट भी आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम इसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये केबल का एक पूरा वेबसाइट है जिसमें कि बताया गया है कि ये केबल कहाँ से कहाँ तक है और इसके पार्टनर्स कौन कौन है। इसके पार्टनर है ये सारी कंपनियाँ जिसमें कि जियो, वोडाफोन भी है। तो इस तरीके की कंपनियाँ हैं जो कि आपस में पार्टनरशिप करके ये पूरा का पूरा केबल बिछाए हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप अपने रूम पे या कहीं पर भी वाईफाई लगाते हैं कंट्रीब्यूट करके, तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि समझ लीजिए 5-6 मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके इसमें, आपके वाईफाई लगाने में। बाद में जब कोई न्यू मेंबर आता है तो अब आप उससे ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि इन सभी कंपनियों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना लिया। अब अगर कोई दूसरी कंपनी को यही नेटवर्क यूज़ करना है तो फिर वो ज़्यादा चार्ज यूज़ करते हैं, ज़्यादा चार्ज लेते हैं बाकी कंपनियों से। मगर ये कंपनियों का कुछ फिक्स रेट रहता है जो कि ये आपस में फिक्स रेट से अपना डील करते हैं डेटा का। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कनेक्शन है टीयर 1 का, पूरे के पूरे इंडिया से लेके हर कॉन्टिनेंट, हर देश से ही जुड़ा हुआ है टीयर 1 कनेक्शन। तो इन सभी कनेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी बहुत दिन तक नहीं चलती है। और ये तो फिलहाल समुद्र में है, समुद्र में कितनी आंधियाँ तूफान आती है कि बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं, शार्क ने कभी काट लिया वायर को या कुछ हो गया, तो इन सभी को मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, इसलिए ही बहुत कॉस्ट लगता है। सबसे पहले तो बिछाने में बहुत कॉस्ट लगता है, इनको पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इसलिए एक कंपनी भी नहीं बिछा सकती है वायर। एक कंपनी को भी बिछाना बहुत ज़्यादा
हेक्टिक हो जाता है, इसलिए कंपनी भी आपस में बॉन्ड करती है कि चलिए हम सब एक साथ मिलके कोई एक वायर बिछाया जाए। तो इस तरीके से बॉन्ड होता है, उसके ऊपर बॉन्ड होने के बाद फिर इसको मेंटेन करने के लिए भी टाइम लगता है, मेंटेन होता है, उसके बाद मैनेज होता है। तो इस तरीके से ये सब बहुत कॉस्ट इंक्लूड हो जाते हैं। इस कॉस्ट को ही, यही कॉस्ट टीयर 1 लेता है, टीयर 1 कंपनी ये कॉस्ट को लेती है, और इसलिए इंटरनेट चार्जेस हमें लगते हैं। ये है मेन रीज़न इंटरनेट चार्जेस लगने का। हमें इंटरनेट तो हमारे पास फ्री है, बट हमें चार्ज क्यों लग रहा है? हमें चार्ज लग रहा है इन कंपनियों को देने में, क्योंकि कंपनी को भी चार्ज लग रहा है इन पूरी केबल को मेंटेन करने में, इन केबल का बैकअप बनाने में, और ये सभी चीज़ों में चार्ज लगता है, ये सभी चीज़ों में पैसे लगते हैं, और यही पैसे हम दे रहे हैं इनडायरेक्टली अलग अलग टीयर 1 टीयर 2 कंपनी के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से इंटरनेट चलता है और किस तरीके से हमें पैसे एक्चुअल में क्यों लगते हैं, ये अभी आपको मालूम चला। टीयर 2 ISP टीयर 1 कंपनी से छोटी होती है। टीयर 2 ISP टीयर 1 से इंटरनेट सर्विस खरीदती है और उसे टीयर 3 ISP को बेचती है। टीयर 2 ISP की इंटरनेट स्पीड टीयर 1 ISP से कम होती है। तो इस तरीके का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है टीयर 2 के बारे में। अब हम देखते हैं टीयर 3 के बारे में। टीयर 3 ISP आपके घर तक इंटरनेट केबल बिछाने का काम करती है। टीयर 3 आपका इंटरनेट टीयर 1 या टीयर 2 किसी भी कंपनी से खरीदती है और उसे आपके घर तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये रहा ओवर ऑफ इंफॉर्मेशन टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कंपनी के बारे में। सो टीयर 1 आपका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, कंट्री को कनेक्ट करता है। कंट्री के अंदर जब हम आते हैं तो वो टीयर 2 होता है, जिसमें कि एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है टीयर 2 कंपनी, जो कि टीयर 1 कंपनी से ही डेटा लेती है, टीयर 1 कंपनी से ही सर्विस लेती है। और टीयर 3 पे आता है छोटी मोटी कंपनी, जो कि हमें देखा जाए तो वाईफाई या हमारे लैंड केबल प्रोवाइड करती है, हाथवे हो गया, ये इस तरीके की कंपनी जो है टिकोना, इस तरीके की कंपनी को टीयर 3 कंपनी में शामिल किया जाता है। और ये कंपनी हमारे घर तक लैंड केबल पहुंचाती है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला पाते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इंजीनियरिंग नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।